हेलो फ्रेंड्स, सुबी की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट तो आप सभी ने खाया होगा, आज मैं कुछ नए तरीके से बनाने जा रही हूँ। हमने यहाँ दो ब्रेड ले लिया है। दो ब्रेड को एक साथ रख के इसके बीच के स्लाइस को निकाल लेंगे, चारों तरफ से काट के। इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए ये निकल गया। देखिए इस तरह से मैंने सारे ब्रेड को काट लिया है। अब हम लेंगे अंडा ऑमलेट बनाने का सामान। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए मैंने लिया है 4 अंडे। अब मैं इसे इस कटोरे में फोड़ लेती हूँ। मैंने 4 अंडे फोड़ लिए कटोरे में। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ सामान। उसके लिए मैंने लिया है 2 छोटे छोटे टमाटर, 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 प्याज बारीक कटे हुए और धनिया पत्ती। अब मैं इस सभी को मिक्स कर लूंगी। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यह नाश्ता बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और इसमें डालूंगी काली मिर्च पाउडर 1 चुटकी, थोड़ी सी, और 1 चुटकी हल्दी हल्का सा कलर के लिए। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ को हमने अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट। अब हम ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ तेल। आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म होने के लिए तवे में डाल दी हूँ। अब रखेंगे ब्रेड का ये स्लाइस। अब हम इसके बीच में डालेंगे ऑमलेट का पेस्ट। इसे डालने के बाद जो स्लाइस हम काट के रखे थे उसको बीच में ऐसे लगा देंगे और हल्का सा ऑमलेट का पेस्ट और डाल देंगे। अब इसे 1 मिनट सेकने देंगे। देखिए नीचे से सेक आ गया। अब हम इसे पलट लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक साइड से और 1 मिनट तक सेक लेंगे। थोड़ा सा इसे ढक के अच्छी तरह से सेक लेते हैं। एक मिनट हो चुका है। अब हम देखते हैं ऑमलेट। देखिए बहुत अच्छी तरह से दूसरे साइड भी सेका गया है। देखिए बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता बनाया है ब्रेड ऑमलेट। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। धन्यवाद।